और रुख कर लेते अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नागौर के दौरे पर रहे, जहां पर खीवसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की और पार्टी को और मजबूत करने को लेकर भी उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से बात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट में बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह खीवसर, बीजेपी नेता धनंजय सिंह खीवसर समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्षों की समीक्षा बैठक ली। पूनिया ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि 3 तारीख तक बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बलोत्रा का दौरा वो करेंगे। इसका मकसद संगठन के कामकाज की समीक्षा भी है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं की फितरत है कि उन्होंने इतने पाप कर दिए कि वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान उनकी फितरत बन गई है। पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से अधीर रंजन ने राष्ट्रपति महोदय के लिए ऊंची टिप्पणी की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चाहिए कि वो ईडी को उदारता के साथ में और बड़े मन से उसका सामना करते हुए अपना पक्ष रखते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने खीवसर में आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि बीजेपी की खुद की संगठनात्मक ताकत है, किसी कारण गठबंधन की सीट भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से देखते हैं। आगे बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग बहुमत की सरकार बनाए। दो चीज़ें अक्सर कही जाती हैं, एक है परसेप्शन, जन धारणा, जनता तय करती किसकी सरकार आएगी। जन धारणा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। दूसरा कारण है कि किसी भी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता के विरुद्ध एक आक्रोश होता है, एक विरोध होता है। तीसरा कारक है, मैं इन दोनों खूबियों के अलावा तीसरी चीज़ पर जाता हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आए, उसके लिए पार्टी ने जो मैंने कहा कि नीचे बूथ से लेकर पार्टी के सभी मोर्चे पूरी मजबूती से काम करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये तीनों ही कारक पार्टी के पक्ष में और 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा पार्टी राजस्थान में सत्ता में आएगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चाहिए ये कि वो ईडी को उदारता के साथ में और बड़े मन से उसका सामना करते और अपना पक्ष रखते, बजाय इसके चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा दृश्य पैदा किया। मुझे लगता है कि यदि वो पाक साफ होते, नैतिक होते, तो शायद ऐसी बात नहीं करते। देश में सर्वाधिक लोकतंत्र का अपमान और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग ये कांग्रेस की फितरत में है। उनको मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का मान करना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ जहां सतीश पूनिया